हाय सो मैं बहुत ही अर्जेंट बेसिस पे बैठ गई हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि कुछ हुआ मेरे साथ जो मुझे अभी के अभी शेयर करना था. ये एक्सपीरियंस, ये खुशी, ये मोमेंट मुझे अभी के अभी शेयर करना था. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और द सीक्रेट अगर आपको पता है इसीलिए आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा, तो उसका मैंने आज यूज़ किया है. अगर आपको नहीं पता ये क्या है, तो ये एक ऐसी जादुई शक्ति है ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, कि जो भी आप सोचो, जो भी आप चाहो सच्चे दिल से, वो पूरा हो जाता है. वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश में लग जाती है. सो कुछ ऐसा ही, कुछ ऐसा नहीं, पूरा का पूरा ऐसा ही. सो हुआ ये कि डायरेक्टली एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं. तो हुआ ये कि मुझे ना टिकटॉक पे एक सॉन्ग बहुत पसंद था, जो वीडियोस ट्रक वीडियोस के साथ, जर्नी वाले, रोड वाले जो वीडियोस नहीं होते पहाड़ों वाले, उन वीडियोस के पीछे वो सॉन्ग चला करता था. सो मेरा दिमाग कैसा है कि मुझे अचानक कोई भी बकवास बातें याद आ जाती कि ये वो ऐसे कुछ भी. तो आज सुबह सुबह मुझे ऐसे लगा कि यार वो कौन सा सॉन्ग था जो ऐसे वादियों में या रोड पे या ट्रक पे ऐसे चलता था, जो मुझे बहुत पसंद था. और मुझे मतलब इतना भूल गई थी मैं उस सॉन्ग को कि मानो मैं वो सॉन्ग मैंने कभी लाइफ में सुना ही नहीं, इतने लेवल का मैं भूल गई थी. ना मुझे उसका एक भी शब्द मुझे याद नहीं आ रहा था, एक भी धुन में की कोई पार्ट याद नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं. यूजुअली एक ना एक वर्ड मिल जाता है तो मैं पहुंच जाती हूँ किसी ना किसी तरह उस सॉन्ग तक. तो मेरी आदत कैसी है कि जब तक मैं ढूंढ नहीं लेती, जब तक मुझे मिल नहीं जाता जो मुझे चाहिए, तो मैं पागल हूँ. ओके ये समझ लो कि मैं पागल हूँ. तो मैं कुछ भी करके मैं दुनिया पलट दूंगी उस चीज़ को ढूंढने के लिए. तो मैंने शुरू कर दी अपनी रिसर्च. तो मैंने टिकटॉक पे, यूट्यूब पे गई मैं सर्च करने के लिए. लेकिन अब मैं सर्च कैसे करूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता उस सॉन्ग के बारे में, कुछ, नॉट इवन ए सिंगल थिंग. तो मैंने ऐसे सर्च किया कि 90s के ट्रैवल सॉन्ग्स. मुझे लगा कि वो ओरिजिनल सॉन्ग में कुछ ट्रैवल वगैरह दिखाया होगा, इसलिए सब लोग रोड पे उस सॉन्ग को यूज़ करते हैं. सो 90s के ट्रैवल सॉन्ग, और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा उसमें बॉबी देओल है, तो फिर बॉबी देओल सॉन्ग, देओल सॉन्ग, और टिकटॉक वायरल सॉन्ग्स, देसी सॉन्ग्स ऑन टिकटॉक, टिकटॉक ट्रक वीडियोस, टिकटॉक देसी ट्रैवल वीडियोस, टिकटॉक इंडिया, ब्ला ब्ला ब्ला. यू डोंट इवन नो द लेवल ऑफ माई क्रेजीनेस. तो मैं ऐसे सर्च कर रही थी सुबह से, फिर मैंने, नहीं हुआ वो, नहीं मिला मुझे. ठीक है, तो मैंने बोला चलो जाने दो. लेकिन मैंने मन में ये सोचा कि होगा, मुझे सॉन्ग याद आ ही जाएगा किसी भी तरह, मुझे सॉन्ग तो याद आ ही गया. और मैंने इसके लिए भगवान को, यूनिवर्स को थैंक यू बोला. ठीक है, अब एक्चुअली रियलिटी क्या है कि इट इज़ इम्पॉसिबल कि मुझे सॉन्ग याद आए सच में. तो ऐसे बोल दिया मैंने, फिर मैं भूल गई. फिर शाम को मैं फिर से कोई सॉन्ग सुन रही थी ऐसी, तो मैंने मुझे याद आ गया कि मुझे टिकटॉक का सॉन्ग ढूंढना था. तो फिर मैंने ऐसे कुछ ना कुछ टाइप करके ढूंढना स्टार्ट कर दिया, और यूट्यूब को टीवी से कनेक्ट किया था. मैं ऐसे सॉन्ग्स वगैरह लगा रही हूँ बैक टू बैक, हर ट्रक वीडियो में चेक कर रही थी कि इसके पीछे वो सॉन्ग होगा या नहीं. ओके, प्लीज़ डोंट जज मी. सो हुआ ये कि मैंने वो गाना गुनगुना दिया, वही गाना जो मैं सुबह से ढूंढ रही थी, सोच रही थी. सो और शॉकिंग बात यह है कि मैंने लिरिक्स के साथ वो गाना गाया पूरा, और मैं खुद ही इतनी शॉक हो गई. मैं सोई हुई थी, मैं से उठ के बैठ के, क्या गाया मैंने, मतलब ये मैंने क्या गाया, ये वही सॉन्ग है मतलब जो मैं ढूंढ रही हूँ, और जिसकी मुझे कुछ भी चीज़ याद नहीं, वो सॉन्ग में लिरिक्स के साथ मैंने गाया अपने आप. मैं ऐसे ही बैठी थी मोबाइल में, मेरी शाम अवध से आए, ऐसे मैंने गाया, और मैं आई वॉज शॉक्ड. सो ये शकीरा नाम का कोई सॉन्ग है, कोई आइटम सॉन्ग है पता नहीं. तो आई वॉज रियली हैप्पी एंड शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड. अब सरप्राइज्ड क्यों, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब ऐसे भी हो जाएगा, मेरे को सच में मतलब याद आ जाएगा. मुझे लगा कि मिलेगा सॉन्ग, लेकिन किसी यूट्यूब वीडियो में दिख जाएगा, लेकिन मुझे खुद याद आ जाएगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था. सो इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ यू वॉन्ट टू नो एनी थिंग अबाउट द सीक्रेट, मैनिफेस्टेशन कैसे सच करना है, पॉजिटिव कैसे रहना है, ए टू जेड, तो शांभवी राज नाम का एक चैनल है, एक लेडी है, मैम है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मैं उनको फॉलो कर रही हूँ आई थिंक एक वीक से या 4-5 दिन से पता नहीं, तो मैं बैक टू बैक उनके सारे वीडियोज़ वगैरह देख रही थी, तो फिर तब मुझ में ये पॉजिटिविटी आई। आज सुबह मैंने मेडिटेशन भी किया था, बहुत ज़बरदस्त मेडिटेशन किया था। सो अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना है इस सब के बारे में तो उनके चैनल को फॉलो करना। और मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सारी बातें, द सीक्रेट क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सारी बातें मुझे पहले से पता थी, लेकिन एक्चुअली मैंने शिद्दत से कभी प्रैक्टिस नहीं की थी। और जब मैं करती भी थी तो मेरा तरीका ये था, ध्यान में बैठ के मेडिटेशन, मेरे साथ सब अच्छा हो रहा है, मेरी बॉडी पूरी हेल्दी है, मैं हेल्दी हूँ, मैं रिच हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी मुझे बोलना, तो मैं इस एटीट्यूड से, इस टोन में ऐसे बोलती थी। तो दिस शांभवी मैम चेंज्ड माय परसेप्शन कम्प्लीटली, यानी मेरा नज़रिया चेंज कर दिया उन्होंने। कि वो कैसे बोलते पता है, मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं मेरी हो ही नहीं सकता कि मेरे बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो, मैं बहुत पतली हूँ या मैं बहुत लंबी हूँ या मेरी जॉब लग ही गई। तो वो इस एटीट्यूड से बोलती कि क्या दिन है मेरा, क्या कमाल का दिन जाएगा आज मेरा, आई एम लविंग दिस डे, दिस इज़ ऑसम डे। तो इस तरीके से वो बोलती है, और उनका वीडियो देखकर ही इतनी पॉजिटिविटी आ जाती कि आप खुद भले ही कुछ ना सोचो, उनका वीडियो देख के बैठ जाओ शांत, अपने आप आपकी वाइब्रेशंस एकदम हाई लेवल पे चली जाएंगी। सो पॉइंट ये है कि शी इज़ एन अमेजिंग पर्सन, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही हैं, जो इजीली किसी को भी समझ में आए। इस बारे में मोस्टली आई गेस बहुत सारे लोगों को आजकल पता है, बट वो फॉलो नहीं कर पाते हैं ठीक से। और मुझे मैजिकल नंबर्स भी रोज़ दिखते हैं, रोज़ 11, 11, 12, 12, 22, 23, 34, 45, 55, ये सारे नंबर्स रोज़ दिखते हैं, बट मुझे पता नहीं था कि अच्छा करना क्या है देख के। ये पता था, पढ़ा था, रिसर्च किया था कि बहुत अच्छा होता है, इसका मतलब ये होता है कि यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट कर रहा है, बट वॉट टू डू वेन यू सी दोज नंबर्स। सो शी सेड कि जब ये नंबर दिख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आई नो वॉट यू वॉन्ट, तुम्हारी विश, तुम्हारा मैनिफेस्टेशन मुझ तक पहुँच रहा है। और तब उन नंबर को देख के हमको बस थैंक्स फील करना है, ग्रैटिट्यूड फील करना है कि येस आई एम गोना गेट वॉट आई वॉन्ट। तो ये थी मेरी छोटी सी एक सक्सेस स्टोरी। और यस, चीजेस पूरी होना, रियल होना स्टार्ट हो चुकी है। सो मेरे एजेंडा पे तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं लिस्ट में। अब मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट आई होप मैं एक्सपर्ट बन जाऊँ, मेरी सारी बातें सच होने लगे। सो अगर आप जानना चाहते हो कि और क्या क्या सच हुआ, हुआ अभी नहीं हुआ, क्या हुआ, फेल हुआ, फेल भी हो सकता है बिकॉज अभी हम बिगिनर्स हैं, अभी अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ा डाउट या थोड़ा नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं कभी कभी। सो लेट मी नो कि मैं शेयर करूँ या नहीं शेयर करूँ, बिकॉज देखो जो भी कैसे बताऊँ कि जो भी जाने माने लोग या जैसे शांभवी मैम इस सब के बारे में बात जब करते हैं, तो ये लोग 10 सालों से, 7-8 सालों से इस चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो लोग माहिर हो चुके हैं उसमें। तो मैं जो मैं शेयर कर रही हूँ वो एज ए न्यू कमर, एज एन एमेच्योर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि हुआ क्या, मतलब कैसे हुआ सब कुछ। तो इसीलिए अगर आपको जानना होगा तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू शेयर विथ यू। और अब मेरे दिल में शांति मिल गई कि मैंने शेयर कर दिया जो भी हुआ मेरे साथ। मुझे बहुत ऐसे उतावलापन हो रहा था कि मुझे बताना है, मुझे ये शेयर करना है, मुझे किसी भी तरह शेयर करना है। सो ये हुआ सिर्फ पॉजिटिविटी की वजह से, ना कि सिर्फ इसके वजह से कि मैंने बोला कि मुझे तो सॉन्ग मिल ही जाएगा, क्योंकि मैं आज सुबह से बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि मैंने अपने मैंने सब कुछ फॉलो किया जो शांभवी मैम बताती है, ठीक है। सो प्लीज़ प्लीज़ गो एंड फॉलो हर, सब्सक्राइब हर, लाइक हर, यानी उनके वीडियोस देखो। ऐसे नहीं कि मैं उनको कुछ प्रमोट करूँ, मैं चाहती हूँ कि आप बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ को एक्सपीरियंस कर सके, इसीलिए बस। थैंक यू सो 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 मच फॉर वॉचिंग, और मेरी इतनी पक 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 सुनने के लिए। बाय।